दोस्तों, अगर आपके भी लैपटॉप में आपके लोकल सी या लोकल डी फोल्डर्स होते हैं और ये जो फोल्डर होते हैं आपने इनमें ज़्यादा कुछ डाउनलोड नहीं किया होता है, कहीं ना कहीं आपकी ये फोल्डर फुल बताने लगती है या इसमें आपका बहुत ज़्यादा स्टोरेज फुल हो जाता है, उसमें हमने कुछ डाउनलोड भी नहीं किया तो भी वो फुल बताता है। तो ऐसे में आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और खासकर सबसे बड़ी समस्या ये होती है, और ये हमेशा होती है सभी विंडोज़ में, कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का फोल्डर होता है, जैसे कि हम लोकल सी पे ही इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, तो वो फोल्डर हमारा ऑटोमेटिक फुल हो जाता है जो कि हमने कुछ डाउनलोड भी नहीं किया। तो ऐसे में हम अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, आज की इस वीडियो हम यही सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमें क्या करना है, हमें अपने पीसी के जो फोल्डर्स जो कि फुल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक फुल हो जाते हैं, तो हम उनमें स्पेस वापस कैसे लाएंगे और जो फालतू की स्पेस जो कि हमारा फुल हो चुका है उससे हम खाली कैसे करेंगे। तो यहाँ से गाइस आपको करना क्या, देखो मैं जिस पीस में आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे लोकल सी ड्राइव है मेरी, ये 10 GB जो कि खाली है, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस अगर आपके भी फोल्डर में मतलब कुछ ऑटोमेटिक जो कि फिल हो रहा है, मतलब डाउनलोड हो रहा है और आपको पता नहीं, या आपका उतना ज़्यादा स्पेस फुल हो चुका है और आपको स्पेस चाहिए, आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, लैग कर रहा है, तो स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन बात हो रही है कि यार हमने कुछ डाउनलोड भी नहीं किया तो भी स्पेस कैसे। तो गाइस इसके लिए सिंपली आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे टाइप हेड टू सर्च का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे टाइप करना है डिक्स। जैसे आप डिक्स टाइप करेंगे तो ऊपर आपको देखिए डिक्स क्लीन अप का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको फिर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद ये थोड़ा टाइम ले सकता है, तो टाइम लेने में आपको मैं बता दूं कि इसका पूरा प्रोसेस होने में 10 से 15 मिनट भी लग सकता है। अब गाइस यहाँ पे इस तरह आ जाएंगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको क्लीन अप ऑफ सिस्टम फाइल्स का ऑप्शन मिलेगा, आप इसमें क्लिक करें। इसमें क्लिक करने के बाद इससे ओके पे क्लिक करें, और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे फिर से स्कैनिंग होगा, इस कैलकुलेशन होगा पूरा, थोड़ा टाइम ले सकता है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम आपका ज्यादा जा सकता है। अब गाइस देखो यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब यहाँ पे गाइस करना क्या है, ये यहाँ पे इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखना कि जैसे कि ये विंडो अपडेट क्लीनअप जो कि 4.33 GB जो कि हमारे खा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसे यहाँ से इसे मार्क कर लेते हैं। मार्क करने के बाद फिर नीचे लेंगे, नीचे लेने के बाद और भी कुछ आपको जो कि दिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइल्स को यहाँ से जो कि लगा लिया, लेकिन हम यहाँ से सिर्फ डाउनलोड के ऑप्शन को अनमार्क रहने देंगे और उसके नीचे हम सभी में मार्क रहने देते हैं। अब बस हमें करना क्या है गाइस, अब आपको यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है, बस ओके पे क्लिक करें और डिलीट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, आप डिलीट फाइल पे क्लिक कर दें। जैसे आप इसमें क्लिक कर देंगे तो आपका जो स्पेस है जो बहुत ज़्यादा खाली, और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा जो स्टोरेज है लोकल सी का वो 10 GB ही खाली है, लेकिन इसे क्लीन होते होते कम से कम 10 से 20 मिनट मेरा चला जाएगा, क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है लो एंड पीसी है, तो इन सभी चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है, तो प्रोसेस होने में टाइम लगेगा। तब तक के लिए मैं वीडियो को फास्ट या रोक देता हूँ। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पे ये जो प्रोसेस होगा, ये जैसे 100% हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, इसके लिए आपको कोई भी फिनिश या सक्सेसफुली का ऑप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। ये डायरेक्टली गायब हो जाएगा, जब भी इसका काम पूरा हो जाएगा ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो गाइस देखो ये पूरा हो चुका है और कम से कम मुझे 10 मिनट के ऊपर लग चुके होंगे। तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट होने के बाद अब मैं आपको लोकल जिस अपना फोल्डर दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो 10 GB खाली था, अब यहाँ से देखिए हमारा 2 GB स्पेस मिल चुका है, जो कि 12 GB यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि अब हमारी ड्राइव 12 GB खाली हो चुकी है। तो इसी तरह दोस्तों आप अपने ई फोल्डर जो भी आपके ड्राइव हैं उनमें अगर आपको शक है कि फालतू में फुल हो रही, तो आप इस तरह क्लीनअप कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक करना और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।